अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा के लिए बुलाई गई केंद्र सरकार की ऑल पार्टी मीटिंग खत्म हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद सदन के नेताओं को अफगानिस्तान के हालात और रेस्क्यू मिशन के बारे में जानकारी दी। जयशंकर ने बताया कि काबुल में फंसे सभी भारतीयों को रेस्क्यू किया जाएगा। अफगानिस्तान से बाहर आने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर जमा हो रहे लोगों के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खौफ तो है ही और खाने पीने के सामानों के दाम भी बेतहाशा बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि पानी की बोतल $40 यानी करीब 3,000 रुपए और एक प्लेट चावल के लिए $100 यानी करीब 7,500 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयुक्त से मिलेगा। टीएमसी की मांग पश्चिम बंगाल में खाली हुई सीटों पर जल्द उपचुनाव कराने की है। उपचुनाव में सबसे अहम ममता बनर्जी का चुनाव जीतना है। उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए 5 नवंबर तक विधानसभा में पहुंचना जरूरी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की कॉलिजियम की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं। अब इन्हें राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। माना जा रहा है कि शुक्रवार तक इनकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में जस्टिस बीबी नागरत्ना पहली महिला सीजेआई बनेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सभी जजों का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। पॉर्न फिल्मों के निर्माण और उसके प्रसार के आरोप में जेल में बंद बिजनेसमैन राज कुंद्रा की जमानत अर्जी पर मुंबई की सत्र अदालत में आज सुनवाई होगी। कुंद्रा को 19 जुलाई को अरेस्ट किया गया था और इसके बाद से वो मुंबई की तलोजा जेल में बंद है। कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कहा था कि उनके पास इस मामले में पर्याप्त सबूत है। कोरोना से बचाव के लिए भारत की पहली स्वदेशी कोवैक्सीन लगाने वालों के लिए राहत की खबर है। जल्दी ही ये वैक्सीन लेने वाले लोग विदेश यात्रा पर जा सकेंगे क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन कुछ सप्ताह में वैक्सीन को मान्यता प्रदान कर सकता है। बीते दिनों देश में 46,280 नए कोरोना केस मिले जो कि 1 जुलाई 2021 के बाद अब तक मिले मामलों में सबसे अधिक हैं। इस दौरान 34,248 लोग ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में 605 की मौत हुई। वहीं केरल के हालात एक बार फिर से गंभीर होते दिख रहे हैं। यहां बुधवार को 31,445 संक्रमित मिले। 215 मरीजों की मौत हुई। इस दौरान 20,271 लोग रिकवर हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 21,17,00,000 हो गए हैं। इस महामारी में अब तक 44,03,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। वहीं कुल 4 अरब से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ये आंकड़े जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय ने साझा किए हैं। बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां मां बन गई हैं। उन्हें डिलीवरी के लिए 25 अगस्त को कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराने की खबरें आई थी। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नुसरत ने 26 अगस्त को बेटे को जन्म दिया है। मां और बेटा दोनों स्वस्थ हैं। डिलीवरी के दौरान नुसरत का ख्याल रखने के लिए बंगाली एक्टर यश दास गुप्ता उनके साथ मौजूद रहे। उत्तराखंड में भारी बारिश से पहाड़ से मैदान तक जनजीवन प्रभावित है। पहाड़ में कई जगह खेतों और सड़कों के बहने की सूचना है। मैदान में भी बारिश का पानी और मलबा घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा रहा है।